एक दिन सुबह सुबह ये माँ अपने बच्चे को जगाकर पानी लाने को कहती है, क्योंकि इस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। लोग पैसों के बदले पानी नाप कर लेते थे। ये बच्चा पहले तो लकड़ियां जमा करता है, फिर इसे एक घर में देने जाता है, बदले में इसे पानी मिलता है। इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है और यहाँ पर बच्चे की नजर स्कूल में रखे पानी के ड्रम की तरफ थी। छुट्टी होने पर प्यून बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी पीने को देता है। अब माँ साहूकार के घर काम पर जाती है तो ये साहूकार से पैसों के बदले पानी मांगती है, मगर साहूकार उसके साथ बदसलूकी करता है, जिससे माँ के हाथ का मटका गिर जाता है। अब ये माँ और बेटे पानी के लिए तरस रहे थे, मगर इधर बेटे का पापा काम के बदले पानी मांगता है और उस पानी के बदले शराब पीकर घर आ जाता है। अब ये बच्चा होटल में काम करके उन पैसों से पानी खरीदता है, मगर रास्ते के दुष्ट लड़के उसका पानी छीन लेते हैं और उसे धक्का दे देते हैं। घर आकर माँ को बच्चे की हालत देखी नहीं जाती। अब माँ दोबारा साहूकार के घर जाती है, मगर साहूकार माँ की मजबूरी का फायदा उठाता है और जब तक माँ पानी लेकर आती है उसका लड़का मर चुका होता है।